गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास फोर लेसन टू और लेसन का नाम है द क्लेवर है कि चाला प्रोमिस कौवा। चाला कौवा, चतुर कौवा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, है ना। दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। तो आप पेज नंबर 4.5 पे आ जाइए। इसमें पॉइंट से आपके जो पेज नंबर है वो ऐसे दे रखे हैं। तो 4.5 पे आ जाइए और लेसन टू निकाल दीजिए। मैंने लेसन टू के कुछ मीनिंग यहाँ पर जो डिफिकल्ट थे वो यहाँ निकाल कर लिख दिए हैं, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिए और स्क्रीन शॉट भी ले लीजिएगा। हम इस कक्षा में लेसन टू पढ़ेंगे और आप इसको पढ़ लीजिए। और सभी जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को अपने पास बिठाकर बच्चों को समझाइए कि मैडम ने कैसे समझाया है, क्योंकि मैं समझाऊंगी और एक आप समझाओगे तो दोनों का इफेक्ट अलग, प्रभाव अलग पड़ेगा। तो ठीक है, मैं मीनिंग पढ़ती हूँ और आप लोग बच्चों को भी समझाइए और आप खुद भी देखिए कि कैसे मैडम पढ़ाते हैं। कपल मिस जोड़ा, प्रो मिस कौवा, ट्री मिस पेड़, क्रोल मिस निर्दयी, स्नेक मिस सांप, होल मिस गड्ढा, नियर मिस पास में, ट्रंक मिस तना, अर्थ मिस जमीन, लेड मिस देना, बेबी मिस बच्चे, बास्केट मिस पूछा, रीड मिस छुटकारा, गेट मिस पाना, राइड मिस चिल्लाना। इसके बाद हम इधर पढ़ते हैं। पिछले जो क्लास में मैंने जो लिख रखे थे सारे शब्दार्थ वो सारे एक साथ लिख रखे थे ना, इस वाले में लेसन टू में मैंने इसको इस टाइप बना लिया है ताकि आप लोगों को ज्यादा आसानी रहे पढ़ने में, ठीक है ना। इट मिस फाना, मदर क्रो यानी कि मादा कौवा। मदर क्रो का अर्थ होता है मादा कौवा और फादर क्रो का अर्थ होता है नर कौवा। नो मिस जानना, इसमें जो के है वो साइलेंट है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। स्ट्रॉन्ग मिस मजबूत, वरी मिस चिंता, ल्यू मिस छोड़ना, इम्पॉसिबल मिस असंभव, एफ यू मिस पूछ, प्रिंसेस मिस राजकुमारी, रिवर मिस नदी, स्विम मिस तैरना, क्लॉथ मिस कपड़े, बैंक मिस किनारा, पिक में उठा लिया, लवली मिस प्यारा, फ्लाई यानी कि उड़ गया, और जो मेरा यहाँ पर ये ना वो छोटा है तो इसको बड़ा कर लीजिए। यहाँ पर आइए आप, गार्ड मिस रक्षा, ड्रॉपिंग यानी कि डाल दिया, एस्केप यानी बचना, किल्ड मिस मारना या फिर मर गया, वे मिस तरीका, क्लेवर मिस चतुर या चालाक, और नेकलेस मिस हार, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारी मीनिंग पढ़कर बता दिए। अब हम लेसन की ओर चलते हैं। अब हम लेसन निकाल लेते हैं, टू और लेसन पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो का अर्थ होता है वर्षों पहले। देयर लिव्ड रहता था एक कपल, एक जोड़ा ऑफ क्रोस कौवे का इन ए ट्री, पेड़ पर। एक कौवे का जोड़ा पेड़ पर रहता था। एक क्रूअल, एक निर्दयी, स्नेक मिस सांप, हैट मेड, मेड मिस बनाया, ए होल, एक गड्ढा, नियर मिस पास में, द ट्रंक मिस, ट्रंक मिस होती जड़, जड़ के अंदर, ऑफ द ट्री, पेड़ के नीचे, ऑन द अर्थ, जमीन में, यानी कि पेड़ के नीचे जमीन के अंदर उसने तने के पास में एक गड्ढा बनाया। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, द मदर क्रो यानी कि मादा कौवा, जो मादा कौवा है, लेड यानी देती है, एग्ज़ इज अंडे, प्रत्येक समय वो अंडे देती है, द स्नेक सांप एट उसको खा जाता था, ऑल द बेबी सभी बच्चे क्रोस कौवे के, एज सून एज दे वेयर एज्ड, जब भी वो अंडे देती वैसे ही वो उन सबको खा जाता था। नीचे आइए अब, हाउ यानी कैसे, सकते, कैन मिस सकना, वी यानी हम, स्टॉप यानी कि रोकना, द क्रूअल यानी कि निर्दयी, स्नेक मिस सांप होता है, फ्रॉम यानी के, ईटिंग मिस खाना, ओवर यानी कि हमारे, यंग वंस यानी कि छोटे बच्चे, हम इसको निर्दयी सांप को मतलब हमारे बच्चों खाने से कैसे रोक सकते हैं, वो कौवे सोच रहे थे, दोनों मतलब दोनों जोड़ा ये सोच रहा था। आस्केट मिस पूछा, द मदर क्रो यानी कि जो मादा कौवा है उसने पूछा, वी मस्ट हमें चाहिए, गेट, गेट मिस होता है पाना और रीड मिस होता है छुटकारा, हम कैसे छुटकारा, एट हिम यानी कि हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। रिप्लाइड द फादर क्रो, मतलब जो नर कौवा है उसने उत्तर दिया, बट देट, लेकिन कि, इज इम्पॉसिबल, यहाँ असंभव, लेकिन यहाँ असंभव है, क्राइड द मदर क्रो, क्राइड मिस चिल्लाई, द मदर क्रो यानी कि मादा कौवा चिल्लाई,
यू यानी कि तुम, नो मीन्स जानते, वेरी यानी कि बहुत, वेल मीन्स अच्छे, तुम अच्छे से जानते हो, डेट यानी कि ही यानी वहाँ, इज यानी है, मच यानी अधिक, अधिक स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत या शक्तिशाली, देन यानी कि जब और अज यानी कि हमसे, वह हमसे अधिक शक्तिशाली है। क्या बोला उसने कि आप जानते हैं कि वो हमसे अधिक शक्तिशाली है। अब बिल्कुल पिक्चर में कौवे दिख रहे हैं ना, और एक स्निक दिख रहा है, उसकी जस्ट नीचे से पढ़ते हैं हम। डोंट यानी कि नहीं, वरी मिस चिंता, उसने बोला कि चिंता मत करो, आंसर्ड उत्तर दिया हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड यानी कि उसके पति ने, जस्ट अभी लीव यानी कि छोड़ा, एवरीथिंग टू मी, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, और हम अब पेज अपना टर्न कर लेते हैं और अगले पेज से हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 4.6 से पढ़ते हैं ऊपर ही ऊपर से। ए फ्यू डेज, कुछ दिन, लेटर यानी कि बाद में, कुछ दिन के बाद, द प्रिंसेस राजकुमारी केम आई टू ए नियर बाय, केम मैंने आई नियर बाय यानी कि पास में, रिवर यानी नदी, टू ही मैंने वो नदी के पास में, स्विम सॉरी हिम नहीं वो स्विम है ना, तैरने के लिए, वो नदी में तैरने के लिए आई, शी लेफ्ट, शी यानी वहां, लेफ्ट यानी छोड़ गई हर क्लोथ, उसके कपड़े, एंड मिस और ज्वेलरी यानी कि आभूषण, और यानी पर, द बैंक यानी कि किनारा, द ऑफ द रिवर नदी पर, नदी के किनारे पर अपने कुछ कपड़े और आभूषण वो छोड़ गई, द फादर क्रो मादा, जो नर कौवा था, पिक्ड उठा लिया, पिक्ड अप यानी उठा लिया, द लवली यानी कि प्यारा, डायमंड मिस डायमंड का नेकलेस मिस हार, डायमंड का हार उसने उठा लिया, मतलब हीरे का हार उसने उठा लिया, डायमंड मिस हीरा होता है, ऑफ द प्रिंसेस राजकुमारी एंड फ्ले अवे विथ इट, और राजकुमारी का जो हार था वो लेकर वो वहां से उड़ गया। अब नीचे आ जाइए, द प्रिंसेस राजकुमारी गार्ड, जो राजकुमारी के रक्षक थे, गार्ड में रक्षक होते हैं, रेन यानी कि भागे आफ्टर द क्रो, उसके कौवे के पीछे, बट लेकिन दे कुड नॉट, पकड़ नहीं कैच हिम, कैच यानी पकड़ना, हिम उसको, वो पकड़ नहीं सके, जस्ट उसी वक्त, वेन जब, दे थॉट, उसने सोचा, द क्रो कौवे ने वाज गोइंग टू एस्केप यानी कि वो उसी वक्त उस वहां से बच निकला, दे यानी कि वे साय ने देखा ही मैंने, उसने ड्रॉपिंग, ड्रॉप मीन्स होता है डालना, द नेकलेस यानी कि हार को, इनटू यानी कि अंदर, द होल मीन्स गड्ढे में, नियर इन पास में, द ट्री, ट्री के पास में जो गड्ढा था उसके अंदर उसने क्या करा, उस हार को डाल दिया, दे रश्ड, वे दौड़े टू द होल, गड्ढे के तरफ, एंड और फाउंड, ढूंढा द स्नेक, और सांप को ढूंढ लिया, द गार्ड रक्षक ने आप द प्रिंसेस, जो प्रिंसेस के जो रक्षक थे उन्होंने क्या करा, किल्ड द स्नेक और सांप को मार दिया, गॉट द नेकलेस और जो हार था उसको उठा लिया, एंड मेड बनाया देयर वे तरीका बैक टू द रिवर और कहाँ चलेगा, वापस नदी के पास चलेगा, इन दिस वे इस तरीके से, द क्लेवर यानी कि चालाक कौवा गॉट रे छुटकारा पाया टू स्नेक सांप से, इस तरीके से उसने जो नर कौवा था उसने उस निर्दयी सांप से छुटकारा पा लिया। अब इसके नीचे जो शब्दार्थ है वो आपको कॉपियों में लिखना है बच्चों और मुझे बताना है, उसके बाद इसमें टिक द करेक्ट है, फिर ट्रू फॉल्स है, फिर मेजो कॉलम है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर क्वेश्चन आंसर है, और उसके बाद में इसमें प्लूरल्स वर्ड है वो भी आपको इसमें करना है, और आपका ये लेसन पूरा एंड हो जाता है। हम इस क्लास में हमने लेसन 2 पढ़ा था, अगली क्लास में हम लेसन 3 पढ़ेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।